हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसन जी के, और उसमें हमारा फिजिक्स चल रहा है। और आज हम शुरू करेंगे ह्यूमन आई से। ह्यूमन आई के बारे में लूसन जी के में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो इसीलिए ह्यूमन आई के बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन NCERT से यहाँ पर ऐड करी है। तो वहाँ से आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में। ह्यूमन आई में बेसिकली कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। लास्ट हमने देखा था ना कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कनकेव क्या होता है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ह्यूमन आई में कन्वेक्स लेंस होता है, और जो कन्वेक्स लेंस होता है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ रहा है उस ऑब्जेक्ट की रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाना आई के रेटिना पे। रेटिना क्या होता है आई का? रेटिना एक थिन सी मेम्ब्रेन होती है आई के अंदर, जिसके ऊपर जो है इमेज बनती है जो भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने आता है। और इमेज बनाता कौन है? जो हमारे आई के अंदर लेंस होता है, उस लेंस की हेल्प से रेटिना पे इमेज बनती है। और जो रेटिना के विजन सेल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं रॉड सेल्स और एक होते हैं कॉन सेल्स। अब रॉड सेल्स का क्या काम है? रॉड सेल डिसाइड करते हैं लाइट की इंटेंसिटी। जो लाइट हमारी आई के अंदर जा रही है उसकी इंटेंसिटी डिसाइड करते हैं रॉड सेल्स। और जो कॉन सेल्स है वो कलर को डिस्टिंग्विश करते हैं, जो लाइट का कलर होता है उसको डिस्टिंग्विश करते हैं। जो कलर्स हमें दिखाई देते हैं वो कॉन सेल्स की वजह से ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ से अब याद रखना भी इजी है, सी फॉर कॉन और सी फॉर कलर्स। तो ऐसे याद रखा जा सकता है, कॉन सेल्स कलर्स को डिसाइड करते हैं, रॉड सेल्स इंटेंसिटी डिसाइड करते हैं। और जो डिस्टिंक्ट विजन का लीस्ट डिस्टेंस है वो होता है मिनिमम 25 सेंटीमीटर। मतलब कि हमारी आई से कोई भी ऑब्जेक्ट जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा वो तो हमें अच्छे से दिखाई देगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट 25 से कम दूरी पे है तो वो हमें अच्छे से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ बिल्कुल हमारी आई के पास आ जाती है तो हम उसको भी अच्छे से देख नहीं पाते। अगर आप अपना हाथ भी आई के बिल्कुल पास रख लोगे तो वो अपना हाथ भी हमें खुद को अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए जो लीस्ट डिस्टेंस है ना, लीस्ट डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर का। अब जो ह्यूमन आई है वो कैमरे की तरह काम करती है। कैमरे में क्या होता है? कैमरे में एक स्क्रीन लगी होती है जिस पे जो सामने जिस चीज़ की हमने ऑब्जेक्ट की फोटो लेनी होती है उसकी पूरी की पूरी इमेज उस पे बन जाती है। तो हमारी आई के अंदर भी सेम वैसे ही है, कैमरे की तरह ही पूरा एक लेंस सिस्टम बना हुआ है, फिट हुआ है नेचुरली, मतलब भगवान की तरफ से वो फिट हुआ है, लेंस सिस्टम है। लेंस सिस्टम का काम क्या है? वो इमेज बनाता है जो भी सामने हमें चीज दिखाई देती है, और जो वो इमेज बनती है वो हमारे आई के रेटिना पे बनती है। आई का रेटिना क्या है? एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है जो कैमरे में होती है। तो अब आई के केस में लाइट सेंसिटिव स्क्रीन हम किसको बोलेंगे? रेटिना को। तो क्योंकि रेटिना पे ही सामने वाले ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी बनती है। जैसे ही लाइट हमारी आई में एंटर करती है, कॉर्निया के थ्रू एंटर करती है, अब देखो आई के अंदर दो तीन चीजें होती है जो बार बार यहाँ पे रिपीट होगी। एक तो है प्यूपिल, ठीक है। प्यूपिल कहाँ पे होता है? आई के बिल्कुल अंदर। आई बॉल जो होती है ना, आई बॉल के अंदर जो बिल्कुल सेंटर में डार्क डार्क ब्लैक कलर है, ठीक है, वो क्या है? वो प्यूपिल है। प्यूपिल के बाहर जो थोड़ा सा, मतलब है तो ब्लैक ही बट थोड़ा सा कम ब्लैक है, जो बाहर वाली एक लेयर आएगी वो क्या होगा? वो कॉर्निया होगा। कॉर्निया के जो बिल्कुल बाहर वाली जो ब्राउनिश सी कलर की लेयर होती है, ब्राउनिश सा होता है, एक बिल्कुल ब्लैक है आई आई बॉल को जब आप ध्यान से देखोगे तो अंदर में एक पूरा ब्लैक होता है, ब्लैक के बाहर फिर थोड़ा सा लाइट कलर का ब्लैक ही होता है बट थोड़ा सा कलर उसका लाइट होता है, और उसके बाहर वाली जो लेयर होती है वो ब्राउनिश सी होती है। तो ये क्या है? बिल्कुल सेंटर वाला आ जाता है प्यूपिल, और उसके जो बाहर वाली लेयर है वो आ जाती है कॉर्निया, और जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो आ जाती है आयरिस, ठीक है। तो ये होते हैं आई के मेन तीन पार्ट्स, ठीक है। जो रेटिना है वो रेटिना होता है आई के पीछे वाली साइड पे। एक बार डायग्राम पे भी देख लेते हैं, ठीक है। ये रहा लेंस जिस पे इमेज जो बनाने का काम करता है आई का लेंस, ठीक है। ये आ गया आयरिस, और ये आ गया कॉर्निया बाहर वाला, ठीक है। और ये रेटिना है, ठीक है। रेटिना कहाँ पे है? रेटिना पे जो इमेज बनती है वो हमारी आई की बैक साइड पे है, ठीक है। तो वापस चलते हैं, लाइट आई में एंटर करती है कॉर्निया के थ्रू, ठीक है। कॉर्निया के थ्रू, कॉर्निया क्या है? एक ट्रांसपेरेंट बज है ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। आई बॉल के बिल्कुल जो फ्रंट सरफेस पे है एक छोटा सा बज सा जो बनाता है वो क्या है? कॉर्निया है। आई बॉल क्या है? आई बॉल एक अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल शेप का ही होता है आई बॉल, और इसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर का आई बॉल का।
ज्यादातर जो लाइट हमारी लाइट रेज आती है हमारी आई में एंटर करती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है आई में, आई में जाके लाइट जो आई के अंदर जाती है, रिफ्रैक्शन तो होएगी क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जो लाइट रेस हमारी आई के अंदर एंटर करती है तो उनकी रिफ्रैक्शन होती है। रिफ्रैक्शन होती कहाँ पे है, रिफ्रैक्शन कॉर्निया पे ही हो जाती है। जैसे ही आई में एंटर करती है तो कॉर्निया में जाते ही लाइट रेस की रिफ्रैक्शन हो जाती है, और फिर कॉर्निया के पीछे क्या होता है, लेंस बना होता है। अभी हमने फिगर पे भी देखा ना, तो ये रहा कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे ये आ गया लेंस। लेंस उसके बाद अब जो लाइट हमारी आई के अंदर एंटर कर रही है वो पहले तो कॉर्निया पे जाएगी, कॉर्निया पे जैसे ही टकराएगी थोड़ी रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्शन हो जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद फिर आगे पहुंचेगी लेंस की तरफ, ठीक है। जैसे ही लेंस पे जाएगी तो लेंस का काम क्या है, उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। ऑब्जेक्ट की जो फोकल लेंथ है, जो आई और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ है उसको फिर एडजस्ट करने का काम किसका होता है, लेंस का। वो फिर उसको एडजस्ट करके उसको फोकस करके ऑब्जेक्ट को फोकस करता है रेटिना के ऊपर, ठीक है। अल्टीमेटली जो इमेज है वो तो रेटिना पे बननी है ना, तो वो फिर अलग अलग डिस्टेंस को सेट करके उसको फोकस करके ऑब्जेक्ट को उसकी जो इमेज है वो बनाता है रेटिना पे, ठीक है। तो उस पर फिर एक, अब यहाँ पे कॉर्निया के साथ में एक और स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं आयरिस, ठीक है। अब यहाँ पे इतनी बात समझ आई ना, पहले क्या है जब लाइट एंटर करती है तो कहाँ पे जाती है, कॉर्निया पे जाती है, ठीक है। कॉर्निया के बाद रिफ्रैक्शन होती है, रिफ्रैक्शन के बाद लेंस तक पहुंचती है, लेंस उसको फोकल लेंथ जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ सेट करता है, सेट करने के बाद जो इमेज बनती है वो बनती है रेटिना पे, ठीक है। फिर बात करते हैं अब आयरिस की। आयरिस क्या है, आयरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। आयरिस का काम क्या है, जो प्यूपिल है हमारी आई के अंदर उसके साइज को कंट्रोल रखना, बेसिकली आयरिस का यही काम है। प्यूपिल का काम क्या है, प्यूपिल जो लाइट हमारी आई के अंदर एंटर करती है ना, लाइट की अमाउंट को रेगुलेट करता है प्यूपिल। तो इसीलिए प्यूपिल के साइज को कंट्रोल में रखना भी तो जरूरी है ना, तो जो प्यूपिल है उसके साइज को कंट्रोल रखता है आयरिस। तो सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जो आई लेंस है, आई लेंस जो ऑब्जेक्ट सामने हमें दिखाई दे रहा है उसकी एक इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनाता है हमारी आई के रेटिना पे। रेटिना क्या है, रेटिना एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेटिना क्या है, एक डेलिकेट सी मेम्ब्रेन होती है जिसमें बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं रेटिना पे, क्योंकि जो अल्टीमेटली इमेज बननी है वो तो आई के रेटिना पे ही बनती है ना। तो लाइट सेंसिटिव सेल्स जो रेटिना के अंदर होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है जैसे ही लाइट हमारी आई के अंदर जाती है तो लाइट सेंसिटिव जो सेल्स होते हैं ना रेटिना के, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एक्टिवेट होते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं, और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं ये ऑप्टिकल नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, और ब्रेन फिर उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट करके फाइनल जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो ऑब्जेक्ट सामने हमें दिखाई दे रहा है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो वापस हमारे आई के रेटिना के पास आती है, और हमारे आई के रेटिना पे उसकी ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है, ठीक है। ये थोड़ा नर्वस सिस्टम का बीच में पार्ट आ गया। ऑप्टिकल नर्व कहाँ है, ये रहा लेंस के साथ आगे ऑप्टिकल नर्व कनेक्ट होती है, ठीक है। लेंस पे जैसे ही इमेज बनती है तो रेटिना के जो सेल्स है वो एक्टिवेट होते हैं, एक्टिवेट होके फिर वो आगे जो इमेज है, इंफॉर्मेशन है, वो ब्रेन को भेजते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स की और उसकी रेमेडीज की। सबसे पहले आता है मायोपिया, और अब ये तो दो है काफी फेमस है, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। इसके अलावा दो और डिफेक्ट्स भी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। मायोपिया को क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटनेस, मतलब कि जिस पर्सन को मायोपिया हुआ होता है वो जो पास की चीजें हैं उनको तो क्लियरली दिखाई देती है, जो पास पड़ी है चीजें वो तो उसको क्लियरली दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की चीजें है ना उसको नहीं वो अच्छे से देख पाता मायोपिया के केस में। अब इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है कि जो आईबॉल है ना, पर्सन का आईबॉल वो इलोंगेट हो जाता है, तो उस केस में भी पास की चीजें तो दिखाई देती है लेकिन दूर की चीजें उसको दिखाई नहीं देती। जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है, फोकल लेंथ कम होगी तो वो पास की चीजों को ही फोकस कर पाएगा, दूर की चीजें उसको दिखाई नहीं देगी। और जो सीलियरी मसल्स होते हैं आई के वो भी कई बार ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं, मतलब उनकी जितनी इलास्टिक लिमिट होती है उससे ज्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें दूर की चीजें दिखाई नहीं देती। और इसका इलाज क्या है, इसके इलाज के लिए यूज होते हैं कनकेव लेंस। जिस पर्सन को मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस की बीमारी होती है उनको कन्वेक्स लेंस
उनके जो चश्मे लगाए जाते हैं, चश्मों में कनकेव लेंस यूज किया जाता है, सॉरी पहले कन्वेक्स बोल दिया था, तो उनके जो चश्मे लगते हैं उनमें कनकेव लेंस यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। इसके बिल्कुल उल्टे कॉजेस है, जहाँ जो हमने यहाँ पे पढ़े थे इसका बिल्कुल उल्टे कॉजेस आएंगे हाइपरमेट्रोपिया में। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, उल्टा ही तो होता है। इसमें हमें दूर की चीजें तो साफ दिखाई देती है, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट्स हमें क्लियरली दिखाई नहीं देते। तो हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दूर की चीजें दिखाई दे रही है, पास की चीजें क्लियरली दिखाई नहीं दे रही। इसके रीजंस क्या है, सेम जो आई बॉल है वो शॉर्ट शॉर्ट हो जाता है, आई बॉल अलोंग द एक्सेस शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, और जो फोकल लेंथ होती है आई लेंस की वो इंक्रीज हो जाती है, फोकल लेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिससे क्या है हमें दूर की चीजें तो दिखाई देती है लेकिन वो फोकल लेंथ बाद में कम नहीं होती, पास की चीजें नहीं दिखाई देती। और जो सीलियरी मसल्स है वो स्टिफ हो जाते हैं, पहले तो अब था ना इलास्टिक इलास्टिक स्ट्रेच होते रहते हैं, अब उसमें क्या था ओवर स्ट्रेच हो गए, इसमें क्या है स्टिफ हो गए, जो मसल्स है सीलियरी वो स्टिफ हो गए, तो वो उनकी मूवमेंट थोड़ी कम हो गई, तो उसकी वजह से फिर लॉन्ग साइटेडनेस की प्रॉब्लम आती है। और इनकी रेमेडी क्या है, कन्वेक्स लेंस यूज होते हैं। जिन पर्सन को लॉन्ग साइटेडनेस की प्रॉब्लम होती है उनके जो चश्मे लगते हैं उनमें कन्वेक्स लेंस यूज होते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या है, ये जनरली जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हीं को ही होता है। तो इसमें क्या है, इसमें भी जो सीलियरी मसल्स होते हैं ना पर्सन के वो स्टिफ हो जाते हैं, तो इससे क्या है सीलियरी मसल्स जब स्टिफ हो जाते हैं तो अकोमोडेटिंग पावर जो है ना आई की वो कम हो जाती है, तो इससे ना तो दूर की चीजें ही अच्छे से दिखाई देती है ना ही पास की चीजें। अब जो बूढ़े लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है ना, ना तो कोई दूर की चीज अच्छे से दिखाई देती है ना ही पास की, तो इसकी रेमेडी क्या है, इसमें दो अलग अलग लेंस यूज होते हैं या इसमें फिर बाइफोकल लेंस यूज किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, ये होता है जब जो हमारा कॉर्निया होता है ना कॉर्निया का रेडियाई में डिफरेंस आ जाता है, तो इसमें बेसिकली होता क्या है एस्टिग्मेटिज्म में, हम किसी भी एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते। जैसे सामने हमारे दो ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, ठीक है, अब डिस्टेंस तो अलग अलग होगा, कोई भी चीज हम जैसे सामने देखते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें दिखाई देती है, तो अब होता क्या हम एक चीज पे फोकस करते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं तो दूसरा नहीं दिखाई देता, दूसरे पे फोकस करते हैं तो पहले वाला दिखना बंद हो जाता है, तो बेसिकली इसमें हम फोकस नहीं कर पाते, तो जो चीजें होती है वो आउट ऑफ फोकस हो जाती है, तो इसके लिए यूज होते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। फिर नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोस्कोप्स की। सबसे पहले आता है इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रो जो सॉरी जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है इसमें कन्वेक्स लेंस यूज होता है, इसकी जो कन्वेक्स लेंस इसमें यूज होता है इसकी फोकल लेंथ भी स्मॉल होती है। अब माइक्रोस्कोप में क्या है, माइक्रोस्कोप में तो हम पास की चीजें देखते हैं ना, लेकिन जो चीजें हमें माइक्रोस्कोप में दिखाई देती है ना वो बड़े साइज की दिखाई देती है, एक्चुअल में वो बहुत छोटे साइज की होती है, नेक्ड आई से जब हम देखते हैं तो बहुत छोटे साइज की चीजें होती है, लेकिन जैसे ही हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो वो चीजों का साइज बढ़ जाता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में बेसिकली एक कन्वेक्स लेंस ही यूज होता है, फोकल लेंथ भी इसकी स्मॉल होती है, और जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को इसके नीचे रख के फोकस करते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है हमें बड़े साइज का दिखाई देता है। ये रहा सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस यूज होता है, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट जो आपने देखा होगा स्कूल टाइम पे भी स्लाइड्स वगैरह हमको दिखाते होते हैं तो अलग अलग चीजों की स्लाइड्स होती है, तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्लाइड रखी होती है, स्लाइड के ऊपर एक छोटी सी इमेज बनी होती है, तो जैसे ही हम उसको सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो वो बहुत बड़ी सारी इमेज दिखाई देती है, कलरफुल सी बड़ी सी इमेज दिखाई देती है अंडर सिंपल माइक्रोस्कोप। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इसमें दो कन्वेक्स लेंस होते हैं, इसमें एक था ना इसमें दो होते हैं, और हॉलो ट्यूब में को एक्चुअली फिटेड होते हैं, जैसे कि ये हॉलो ट्यूब है तो एक तो कन्वेक्स लेंस ऊपर होगा एक नीचे होगा, ठीक है, लेंस फेसिंग द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, एक तो लेंस ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है, जो लेंस ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है इस लेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, और जो हमारे आई के पास है लेंस उसको बोलते हैं आईपीस, ठीक है, तो ये दो तरह के लेंस इसमें कोएक्सली
फिटेड होते हैं, और इसमें जो अपर्चर होता है ऑब्जेक्ट का वो आईपीस से स्मॉलर होता है। यहाँ पे हम जो नीचे स्लाइड रख के देखते हैं जो इसका अपर्चर होता है वो आईपीस से बहुत ही छोटा होता है। ये वाला जो आईपीस वाला लेंस यूज कर रहे हैं तो इस लेंस से कहीं बहुत ज़्यादा छोटा होता है, और दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ भी इस केस में स्मॉल होती है। अब इसमें होता क्या है, दो लेंसेज यूज होते हैं, इससे जो इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफाइंग पावर है ना वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि जो इमेज हमें दिखाई देती है वो ज़्यादा क्लियर दिखाई देती है, वो हमें साफ दिखाई देती है। ये रहा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें ये आ गए आईपीस, जो आई की यहाँ पे हम आई रख के देखेंगे ना आई के पास करके, तो ये आ गए आईपीस, और यहाँ पे जो नीचे लेंस यूज होंगे ये हो गए ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब जो पहले हमने सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखे थे इसमें हम कन्वेक्स लेंस यूज करते थे, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम कन्वेक्स लेंस की जगह पे हम यूज करते हैं बीम ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। इसमें लेंस नहीं यूज होते, इसमें यूज होती है बीम ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या होता है, अब जो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ है वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ से कम होती है। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि जो भी चीज हमें दिखाई देती है उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होती है, मतलब बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई देती है। ऐसे नहीं कि थोड़ी धुंधली सी दिखाई देगी या उसमें पिक्सल्स ऐसे हो रहे हैं, तो उसकी जो क्लियर इमेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिखाई देती है इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है टेलीस्कोप। अब जो माइक्रोस्कोप थे हम तीनों हमने देखे, इसमें तो हम पास की चीज़ें देख रहे हैं लेकिन बहुत छोटी चीज़ें हैं उसको थोड़ा बड़ा करके देख रहे हैं। टेलीस्कोप के अंदर क्या होता है, हम दूर की चीज़ें देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा दूर है, नेक्ड आई से विजिबल नहीं है, जैसे कि स्टार्स वगैरह हो गए, मून हो गया, तो इसको हम टेलीस्कोप से देखते हैं। या फिर कहीं बहुत, जैसे आर्मी वाले होते हैं या नेवी वाले, उन्होंने बहुत दूर की चीज़ें दुश्मनों को देखना होता है तो वो भी टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। तो टेलीस्कोप यूज होता है दूर की चीजें देखने के लिए जो नेक्ड आई से विजिबल नहीं है। टेलीस्कोप तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप एंड गैलीलियन टेलीस्कोप। तो पहले आता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है इसमें दो कन्वेक्स लेंस यूज होते हैं और हॉलो ट्यूब में कोएक्सली प्लेस टू होते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ा था सेम वैसे ही इसमें भी दो कन्वेक्स लेंस होते हैं। एक लेंस जो ऑब्जेक्ट को फेस करता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, और दूसरा जो आई को फेस करता है उसको बोलते हैं आईपीस, और इसमें जो फाइनल इमेज बनती है वो होती है इन्वर्टर। अब जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो लेंस वगैरह यूज होते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दोनों सेम है, ठीक है, इसमें भी दो कन्वेक्स लेंस थे, उसमें भी दो कन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्टिव और आईपीस, तो इसमें भी सेम वही है, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, अब ये टेलीस्कोप है, इसमें हम दूर की चीजें देख रहे हैं, वो माइक्रोस्कोप था उसमें हम छोटी चीजें देख रहे हैं, जो माइक्रो बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं उनको देख रहे हैं, तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है वो उसका लार्ज अपर्चर होता है, ठीक है। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस हम यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस, उसका अपर्चर बड़ा होता है, सो दैट कि जो ऑब्जेक्ट से जो रेस पड़ रही है उसको हम इजिली कलेक्ट कर सके, इसीलिए इसका अपर्चर जो होता है वो लार्ज होता है, बड़ा होता है ये वाला लेंस थोड़ा, और इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो भी आईपीस के कंपैरेटिवली लार्जर होती है। फिर नेक्स्ट आता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ठीक है, पहले एस्ट्रोनॉमिकल था, दूसरा आ गया टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ये भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जैसा ही होता है लेकिन इसमें एक और एडिशनल कन्वेक्स लेंस यूज होता है, इसमें दो कन्वेक्स लेंस थे ना, इसमें तीन होते हैं, एक और ऐड होता है, एक तो आईपीस वाला हो गया, एक ऑब्जेक्टिव वाला हो गया, और उन दोनों के बीच में एक और एडिशनल कन्वेक्स लेंस यूज होता है। इसका फायदा क्या है, इससे इमेज जो है वो इन्वर्टेड इमेज हमें फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव हम देख रहे हैं उसकी जो इमेज है वो और ज्यादा क्लियर दिखाई देती है। अब जो जो कन्वेक्स लेंस सेंटर में यूज हो रहा है तो वहां पे इमेज होएगी इन्वर्टर, ठीक है, जैसे यहाँ पे है तो ये वाला हो गया ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये सेंटर वाला हो गया और ये वाला हो गया आईपीस, ठीक है, जहाँ पे हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अब पहले इमेज बनेगी यहाँ पे इस लेंस पे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पे, ऑब्जेक्टिव के बाद जो यहाँ पे सेंटर वाले जो कन्वेक्स लेंस है इस पे जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और जो फाइनल आईपीस पे इमेज बनेगी वो वाली इमेज होगी इरेक्ट इमेज होगी, ऑब्जेक्टिव की जो इमेज हमें दिखाई देगी वो इरेक्ट और क्लियर इमेज दिखाई देगी हमें। फिर लास्ट आता है गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप में दो लेंसेस ही होते हैं,
तो अब इसमें क्या है, लेंसेस तो एस्ट्रोनॉमिकल में भी दो थे, गैलीलियन में भी दो है, बट इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव वाला लेंस होता है वो कन्वेक्स होता है, और आईपीस वाला जो लेंस होता है वो कनकेव होता है, और जो फाइनल इमेज बनती है वो इसमें इरेक्ट बनती है, दो लेंसेज में ही इरेक्ट इमेज बन जाती है। इसमें तीन लेंसेज यूज करके हमने इरेक्ट इमेज बनाई थी, और इसमें दो लेंसेज यूज करके ही हम इरेक्ट इमेज बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिकल ऐप टेलीस्कोप। ऑप्टिकल टेलीस्कोप को इन्वेंट करा था हैंस लिपर्शे ने। ये कुछ फैक्ट्स हैं, तो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं ऐसे फैक्ट्स भी, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑप्टिकल टेलीस्कोप की इन्वेंशन करी थी हैंस लिपर्शे ने, लेकिन गैलीलियो गैलीली पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इसके थ्रू सिस्टमेटिकली नाइट स्काई की स्टडी करी थी। ठीक है, अब इन्वेंशन करी थी हैंस लिपर्शे ने, लेकिन फर्स्ट टाइम गैलीलियो गैलीली ने इसको सिस्टमेटिकली यूज करा था नाइट स्काई को स्टडी करने के लिए। राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।